朝の陣。明日はもうちょサデイチョキルブリ。थैंक्स मेरी। वैसे आप भी कुछ कम नहीं लग रहे। बहुत अच्छे लग रहे। सूरज एक मिनट रुको। क्या बात है सूरज? आज तो आप कुछ अलग ही मूड में लग रही है। सूरज जी, इस पल को मैं कैमरे में कैद करने जा रही हूँ। बस एक मिनट। हम दोनों की फोटो आप कैसे लेंगे? मैं किसको बुलाऊं? अब उसकी उसकी कोई जरूरत नहीं है सूरज जी। ये देखिए। अरे वाह, अच्छी आ रही है ना सूरज जी। अरे आप ऐसे रहिए, मैं निकालता हूँ। छोड़िए। सदा जी, अगर आप ऐसे ही करती रही ना, मुझे लगता नहीं है कि आप मुझे दूर जा पाएंगे, और ना ही मैं आपको दूर जाने दूंगा। क्या आप शांति से पड़े रहे? सॉरी सूरज। अच्छा आप निकाल लीजिए। आप भी ना बहुत बड़े झूठे और नौटंकीबाज हैं। माफ करना संदेश जी। एक दो फोटो और खींचे ना। ये दूसरा चुमका पता है। अरे ये कहीं झूले पर ना बैठ जाए। रेमिना बेन, इतना भी ना जाने कि पूजा होने से पहले झूले पर ना बैठा जाए। जा जाकर तैयार हो जाए। भाभो देखिए ना, दिशा जी ने कितनी प्यारी मेहंदी रचाई है जेठानी जी के हाथों में। टुकुर टुकुर क्या देख रही है? जा जाकर तैयार हो। बाबू मैं भी होटल चलती हूँ, चेक इन का वक्त हो गया है और अपना कमरा भी देख लूंगी। पर दिशा तुम्हें तो तीज मनानी थी ना, थोड़ी देर रुक जाओ, पूजा के बाद चली जाना। हाँ संध्या, पर मुझे दुबई फूड फेस्टिवल के स्टॉल के लिए ना पूरी तैयारी करनी है, उसका डिजाइन तैयार करना है। एंड एक सीक्रेट बताऊं, मुझे तीज के बारे में सब कुछ पता है, पर ये देखना वगैरह बहुत बोरिंग लगता है मुझे।
तो मैं निकलती हूँ, आप लोग इंजॉय कीजिए। ठीक है। बाय। संतोष जरा जल्दी करना, गाना आ ही गया होगा। मैं तो कद से तैयार हूँ जी, और हाँ इमली बिनिनी और संध्या बिनिनी भी तैयार हैं। सब तीज पूजने को समय हो गया है। हाँ काकी साहब चलो, सब लोग आ गए हैं ना। चलो बिनिनी, लुगाई आना शुरू हो गई है। इमली तुम मेरी मदद कर दो ना ये मेहंदी छुड़ाने में। पर जेठानी जी अभी तो मेहंदी सूखी नहीं है, आप थोड़े टाइम बाद उतार लीजिएगा, मैं आपकी मदद कर दूंगी। मीना बेन जा, जाकर जल्दी से तैयार होकर आए। मैं भी ऐसी ठीक हूँ बाबू। ज्यादा नौटंकी करने की जरूरत ना है, जाकर तैयार हो जाए। पकड़ो। संतोष भाभी सर, ये अर्जुन कौन है जिसके नामकरण के वास्ते दाई साहब न्योता दे रही है? रे मेरा पोत तो है अर्जुन। देखो नामकरण संस्कार है, पूरी हनुमान गली ने न्योतो है, सिर्फ एक परिवार ने छोड़कर। पर दाई साहब थारे पोते का नाम तो काना है ना? रह जब वो दूसरा का घर मत हो ना तब। अब वो मारा घर आएगो है, अभी को नाम वही होसी जो माना पसंद है, हमारा परिवार ने पसंद है, इसलिए मैं अपना पोता को नाम अर्जुन रखी हूँ। दाईसा, नाम तो अच्छा रखा पर अकेली आई, काना ने साथ कुणी लाएगी, कहाँ है काना? अर्जुन दिखाई नहीं दे रहा है, कटे टावरा ने लेना को जमानो को नहीं भाई साहब, पता नहीं कब की नजर लग जावे। भाई साहब ये मैंने कान्हा के लिए, मतलब अर्जुन के लिए मैं लेके आया। अर्जुन ने दे देना, उसे उसे बड़ा पसंद है। ये टफ ही है ना,
अपने घर के टाबर नहीं खुआ दियो। मेरा पोता का दांत खराब कौन करना ही सर। और हाँ, घर का साथ साथ मेरा पोता की पसंद भी बदल गई, समझा? ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।